स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त विपुल त्यागी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों 1947 के भारत और पाकिस्तान विभाजन के बारे में कौन नहीं जानता है, लेकिन उस समय 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच में केवल जमीन को नहीं बांटा गया था, केवल धार्मिक आधार पर लोगों को नहीं बांटा गया था, बल्कि और भी कई ऐसी सारी चीजें हैं जिन्हें बांटा गया था, जिनमें अगर बात की जाए तो पुस्तक भी अहम थी। जी हाँ, सरकारी पुस्तकालय की जो किताबें थी उन्हें भी बांटा गया था। इनमें से कुछ भारत में रह गई थी और कुछ पाकिस्तान भेज दी गई थी। हालांकि उस समय पुस्तकालय में उपलब्ध किसी भी पुस्तक की केवल एक ही कॉपी मौजूद होती थी। पुस्तकालयों ने दोनों राष्ट्रों के अधिक हितों के आधार पर पुस्तकों को बांटा था। वाइन सेलर्स को भारत ने अपने साथ रखने का फैसला किया था, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी राष्ट्र होना था जहां पर अल्कोहल हराम था। फिर भी शराब के मूल्य के लिए पाकिस्तान को मोटे तौर पर मुआवजा दिया गया था। चूंकि भारत में एक सरकारी प्रेस थी जिसका इस्तेमाल मुद्रा नोटों को मुद्रित करने के लिए किया जाता था, इसलिए भारत ने इसे पाकिस्तान को सौंपने से इनकार कर दिया था। इसलिए इस्लामी राष्ट्र को नोट्स पर भारत पर पाकिस्तान के रबर स्टैंप के साथ भारतीय मुद्रा नोटों के साथ ही अपना अस्तित्व शुरू करना पड़ा। भारत के वायसराय में रॉयल गाड़ियों के दो सेट थे, जिसमें से एक को सोने में और दूसरी को चांदी में छटनी की गई थी। माउंटबेटन ने इसको बांटने के लिए सिक्का उछालना सही समझा और सिक्का टॉस के बाद भारत को गाड़ियों के सोने के छटनी का सेट मिला। यहां तक कि सहायक की जो वर्दी होती है उसे भी भारत और पाकिस्तान के बीच में बांटा गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के अंत के बाद भारतीय सेना को भी बांटा गया था। उस समय मौजूद ब्रिटिश भारतीय सेना और इसके प्रशासन भी अस्तित्व में रहे थे। लगभग 260,000 पुरुष मुख्य रूप से हिंदू और सिख भारत चले गए और 140,000 पुरुष मुख्य रूप से मुसलमान पाकिस्तान गए। नेपाल में भर्ती गोरखा का ब्रिगेड भारत और ब्रिटेन के बीच बांटा गया था। व्यक्तिगत सैनिकों को विभाजित किया गया था। पाकिस्तान में 19वीं लॉन्सर ने मुस्लिमों के लिए भारत के जाट और सिख सैनिकों का आदान प्रदान किया था। उम्मीद है दोस्तों कि आज की इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं ऐसी एक दूसरी वीडियो के साथ, तब तक आप बने रहिए यूट्यूब चैनल अक्षज एंटरटेनमेंट के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। जय।